कमेंट बॉक्स में टीम इंडिया को हैप्पी रिपब्लिक डे विश करना न भूलें। जी आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच कल खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम पहले वनडे मैच में शानदार तरीके से न्यूजीलैंड टीम को पीट कर आगे चल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि टीम में कोई भी बदलाव होने की उम्मीद नहीं है और वही टीम उतरेगी जो पिछले मैच में उतरी थी, और ऐसे में कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी का कहर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर गिरना तय है। तो वहीं आपको बता दें कि शिखर धवन का फॉर्म में आना कहीं ना कहीं भारत के लिए राहत की बात है, क्योंकि अब तीसरे वनडे मैच के बाद विराट कोहली भी टीम में नहीं होंगे, तो ऐसे में टॉप ऑर्डर पे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। वहीं महेंद्र सिंह धोनी की बात की जाए तो वो 2019 की शुरुआत शानदार तरीके से की है और हर मैच में वो रन भी बना रहे हैं और साथ ही विकेट कीपिंग में भी शानदार। तो गेंदबाजों को वो जो टिप्स दे रहे हैं उसका नमूना हमें पहले वनडे मैच में ही देखने को मिला, जिसके चलते कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटक लिए। तो कहा जा सकता है कि टीम इंडिया काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही है और दूसरे वनडे मैच में भी भारतीय टीम जीत के काफ़ी करीब होगी। लेकिन आपको बता दें कि माउंट मोंगोई का जो मैदान जिस पे खेला जाएगा वहाँ 350 का स्कोर भी सेफ नहीं है, क्योंकि वो छोटा ग्राउंड है और ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल होने वाला मैच काफ़ी रोमांचक होगा। और इसके साथ ही रिपब्लिक डे पर उम्मीद करते हैं कि भारत जरूर जीतेगा।